नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए देखते हैं, आज हम लोग कुछ गणित शिक्षण अधिगम के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो आप जानते हैं कि गणित में भी पैडागोजी के लगभग 5-6 नंबर के क्वेश्चन कुछ ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो 5 अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हम 3 वीडियो बना देंगे और 3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि मतलब उसी क्वेश्चन को रखेंगे जो टेट सीटेट में मतलब सीटेट वगैरह में पहले पूछे गए हों। ठीक है, तो उनको आप एकदम से रट लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। हमें उम्मीद है उसमें से 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आप पिछले सेट में देखे होंगे, टेट में पूछे गए हैं, जैसे ज्यामित निर्देशांक ज्यामित के जन्मदाता कौन है। ठीक है, ऐसे ब्रह्म स्फुट के लेखक कौन है ना। इस तरह के मतलब कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले से ही पूछे जाते थे, तो उसी क्रम में आइए देख लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पाई की खोज किसने की थी, है ना, जीरो की खोज कौन सा देश करने वाला। इस तरह से मतलब कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले से पूछे गए हैं और कुछ शिक्षण अधिगम से हैं, उनमें वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं ना। तो 3 वीडियो बनाना पड़ेगा। आइए, आज पहला है, थोड़ा सा छोटा ही वीडियो है लेकिन क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए देखते हैं। अब ये वीडियो आप देखिएगा, जैसा रिस्पांस होगा वैसा ही आगे और बना देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्योंकि मैथ की पेडागोजी थोड़ा सा कठिन होती है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन हमें जहाँ जहाँ जैसे जैसे मिले हैं सारे हमने कलेक्ट किए हैं। कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन है गणित के, वो भी आप पहले समझ लीजिए, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है गणित अंग्रेजी के शब्द मैथमेटिक्स का हिंदी रूप है ना। जानते ही हैं मैथमेटिक्स का हिंदी रूप है गणित, और यह ग्रीक भाषा के मैंथेनो लर्न से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैथमेटिक्स किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो मैंथेनो लर्न नामक शब्द से लिया गया है, और इस शब्द का अर्थ होता है गणनाएँ सीखना। ठीक है, मैंथेनो का मतलब होता है गणनाएं, और लर्न में सीखना आप जानते ही हैं ना, तो मैंथेनो लर्न का शाब्दिक अर्थ होता है गणनाएं सीखना, या एक ग्रीक शब्द है और इसी से बना है मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी रूपांतरण यानी गणित गणित के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये कुछ बातें हुई। अगली लाइन में देखो, हमने लिखा भी है मैंथेनो लर्न का शाब्दिक अर्थ है गणनाएं सीखना। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ कोटेशन लिखी थी कि गणित की परिभाषाओं से रिलेटेड, तो उसमें एक दो परिभाषाएं आप ध्यान रखें, कुछ हम बोल देते हैं, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप नोट्स बना लेना, लिख लेना, ठीक, उसे ध्यान रखना। जैसे एक वैज्ञानिक थे गॉस, है ना, आपने पढ़ा होगा साइंस में गॉस की थ्योरम, है ना, या गॉस की प्रमेय, ये वही वैज्ञानिक है। इन्होंने गणित को बोला था कि गणित विज्ञान की रानी है ना, तो गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, ऐसे ही इसी तरह एक बेल, ग्राहम बेल आप सुने होंगे ना। ठीक है, तो ये बेल जो है, इन्होंने गणित को बोला था कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। ठीक, यानी बेल के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। ठीक, इसी तरह गिब्स ने भी बोला था, गिब्स एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बोला था कि गणित एक भाषा है। ठीक है, गणित एक भाषा है। तो इस तरह से कुछ मतलब एक दो पॉइंट थे जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, तो थोड़ा सा लिख लेना अगर आपको याद ना रहे, वरना फिर ये मतलब बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, आपको थोड़ा पता होना चाहिए गणित के बारे में, है ना। फिर आइए देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तार्किक, है ना, सभी लोग जानते हैं, वैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए देखते हैं, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन पियर्स का, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट से हमने क्वेश्चन लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन है पियर्स का। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों जितने भी हमने क्वेश्चन लिखे हैं वो एकदम से रट्टा मान लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो चाहे टेट के हों या फिर सीटेट के हों या फिर ऐसी कई परीक्षाएं होती हैं, है ना, जैसे रीट वगैरह, तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन, इनको आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। अगर मान लीजिए इसमें फ़ायदा नहीं देता है तो कहीं ना कहीं सीटेट वगैरह में कहीं ज़रूर फ़ायदा करेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन,
गणित के नियम और निष्कर्ष लागू होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। ठीक, ये ऑप्शन सही था, पूरे चारों ऑप्शन लिखते तो आपको समझ में आता, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो ऐसे भी समझ में आएगा कि गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। ठीक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक इसका मतलब ये होता है कि सबके लिए समान होता है। ठीक है, सार्वभौमिक, ठीक, जो हमारे लिए है वही दूसरों के लिए। ठीक, वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैठकर गणना कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वही गणना कहीं पर भी बैठ के करोगे तब भी आएगा। सार्वभौमिक मतलब अगर हम 2 + 2 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो कोई और 2 + 2 करे तब भी 2 ही आए। ठीक है, तो आप जानते हैं दोनों पॉइंट होते हैं मैथ में। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी गणित के संकल्पनाओं और सिद्धांतों के आधार को समझाता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है? तो अवबोधन है ना, अवबोधन, ये उसमें ऑप्शन दिया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट्टा मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा भी गया क्वेश्चन है सीटेट में। गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट जितना मोस्ट लिख ले, है ना। वो ये गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गणित मापन परिमाप तथा दिशा का विज्ञान है। ठीक है, तो देखो गणित को भी विज्ञान ही माना जाता है। देखो जितनी भी कोटेशन थी अभी उसमें हमने समझाया था, गणित विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान को नौकर माना जाता है ना, तो इस तरह से ये भी परिमाण और दिशा, मापन परिमाण और दिशा का विज्ञान है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसमें ये पूछा गया था, ये ऑप्शन था, ऐसा क्वेश्चन बना था, गणित विज्ञान परिमाण तथा निम्न में से है। ठीक, और ऑप्शन थे विज्ञान और ये सब था, तो वो सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम से आप रट्टा मार लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। देखिए हमने ग्रुप पे एनसीएफ भेजा भी था और हमने कहा था कि एनसीएफ के क्वेश्चन जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि 35 से 30 बोला ही इन्होंने। ठीक है, लेकिन अगर पेपर सही बनाएंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन जरूर पैडागोजी के मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण, सॉरी, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। ठीक है, तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, खैर ठीक, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, बाल केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें हम गणित शिक्षण ना लिखते, कोई भी शिक्षण होता तब भी बाल केंद्रित ही इंपॉर्टेंट होता, और इसमें भी गणित है ही नहीं, ये किसी भी चीज़ के लिए होता, मान लो मैथ के अंतर्गत नहीं आता है तब भी यही ऑप्शन सही होगा। फिर देखते हैं गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। पहले ही अभी क्वेश्चन हमने बताया था कि गणित की प्रकृति तार्किक होनी चाहिए, है ना, तो जिस एक किसी भी ऑप्शन में जिसमें तार्किक दिखेगा समझ जाना ये 100% सही होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गठित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? व्यवहारिक रूप में बहुत होता है। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गठित शिक्षण होता है वह उसका सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक रूप में होता है। जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं तो कोई जैसे किसी भी चीज़ को समझाना होता है उसको हम व्यवहारिक तौर पर लेके समझाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हैं तो उसमें कई बार सिम उम बेचने की बातें करते हैं, जैसे बट्टा है छूट की बात होती है, तो किसी मॉल या वगैरह, मतलब कहने का मतलब व्यवहारिक जीवन में उसको मतलब समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाता है। ठीक, तो इसमें वही पूछा गया था कि गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शिक्षक भर्ती वालों के लिए। ठीक है, टेट के लिए तो आई है, शिक्षक भर्ती वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझाना समझ सॉरी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जब तक आप किसी भी अवधारणा को समझेंगे नहीं, उसको लागू नहीं करेंगे, उनमें संबंध नहीं बनाएंगे, तब आप समझा कैसे पाएंगे, है ना। ठीक है, तो अच्छा गणितज्ञ होने के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं, ये समझ लीजिए एक डेमो वीडियो है, डेमो के लिए कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, जिसके लाइक से ही हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम अगले 1-2 वीडियो और बना देंगे और लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 में से 100% है 5 अच्छे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो
ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो ठीक, इसी उम्मीद के साथ आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।